वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट अ लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर. आज आपको मैं इस वीडियो में जो लेटर है, लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, वो बताने जा रहा हूँ. यू मस्ट पे योर एंटायर अटेंशन सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड the format, the contents of the letter of placing order. Okay, देखिए ये आपका क्वेश्चन है. यू हैव पास्ड योर क्लास 9th एग्जामिनेशन और 11th एग्जामिनेशन, नो प्रॉब्लम, एंड हैव बीन प्रमोटेड टू क्लास 10th और 12th. यू नीड सम सपोर्ट बुक्स एंड प्रैक्टिस मटेरियल फॉर योर स्टडीज. आपने अभी 9th क्लास पास किया है, 12th वाले अगर इसको करेंगे तो उनको कह सकते हैं 11th क्लास पास किया है और आप प्रमोट किए गए हैं क्लास 10th में और 11th वाले 12th में. ओके, सिंस दिस वीडियो इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस फ्रॉम 9th to 12th, सो आई एम डूइंग दिस. यू नीड सम सपोर्ट बुक्स एंड प्रैक्टिस मटेरियल फॉर योर स्टडीज. आपको सपोर्ट बुक्स कुछ चाहिए और प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए पढ़ाई के लिए. राइट ए लेटर टू ए पब्लिशिंग कंपनी. पब्लिशिंग कंपनी के लिए लेटर लिखिए ऑर्डरिंग सम बुक्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट. जो ज़रूरत है आपको किताबों की उसके लिए. योर लेटर शुड नॉट एक्सीड 100-120 words. इससे बीच में दिस द वर्ड लिमिट आपका लेटर होना चाहिए. ओके, नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द लेटर. प्लेसिंग ऑर्डर, एड्रेस मीन्स मेन हेडिंग आपका यहाँ आ सकता है. हेडिंग में क्या है, सेंडर्स एड्रेस, ये हो गया आपका. दिस इज सेंडर्स एड्रेस. ओके, लाइक अदर लेटर्स, वन लाइन गैप, देन डेट, दिस इज डेट. ओके, डेट हो गया. आफ्टर दैट वन लाइन गैप, देन रिसीवर्स एड्रेस, to whom that you are going to write letter, जिसको आप ये letter लिखने जा रहे हैं उसका address आएगा. The manager, Full Marks Private Limited, 4238A/1 Ansari Road, Daryai Ganj, New Delhi. तो इस द address, address could be in 2-3-4 lines, no problem. As that is given in your question, you are supposed to put the same address. What this is the address of the addressee. Receiver's designation and address. यहाँ पर आएगा आपका receiver का address और designation. उसका कौन, the manager. This is the address, this is the designation. Manager के लिए आपने लिखा है, ये address लिख दिया manager का. After that one line gap, then again sir / madam, ठीक है, salutation. Then one line gap, then subject, placing order for books. Subject line to focus attention. Your subject line must tell about what you are going to write letter. वो लाइन से ही पता लगनी चाहिए किसको आप किसके बारे में और किसको लेटर लिखने जा रहे हैं. ओके, नाउ body of the letter. Introductory paragraph about the order. जो order आपने दिया है उसका जो है introductory paragraph. Introduction देंगे आप जो order आप दे रहे हैं क्या. I am a student of class 10th or class 12th. I require the following books for my studies.
मुझे ये बुक्स जो नीचे मैं लिख रहा हूँ वो चाहिए स्टडीज़ के लिए। ये आपका मेन पैराग्राफ प्लेसिंग ऑर्डर इन टेबुलर फॉर्म, तो ऑर्डर आपका टेबुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। व्हाट एंड विच टाइप ऑफ बुक्स डू यू रिक्वायर और वांट, नो दिया फर्स्ट असाइनमेंट इन इंग्लिश प्लस कम्युनिकेटिव क्लास 10th और 12th, मैथमेटिक्स सपोर्ट बुक क्लास 12th और 10th, सोशल साइंस सपोर्ट बुक, इंग्लिश कम्युनिकेटिव सपोर्ट बुक। तो दीज आर द बुक्स दैट यू रिक्वायर, दैट यू वांट टू बी सेंट बाय द मैनेजर ऑफ द पब्लिकेशन इन टेबुलर फॉर्म, ओके। या टेबुलर फॉर्म में रखेंगे, प्लेसिंग ऑर्डर इन टेबुलर फॉर्म। बुक्स के नाम दे दिया आपने, देन चेंज द पैराग्राफ, प्लीज सेंड दीज बुक्स थ्रू कुरियर। इन बुक्स को कुरियर से भेज दीजिएगा। आई विल मेक पेमेंट ऑन द रिसीप्ट ऑफ द बुक्स, जैसे ही मुझे रिसीव करूँगा बुक्स को मैं पेमेंट आपका भेज दूँगा। तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ आस्किंग फॉर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, ओके। ये आपका कंक्लूडिंग यू नो पैराग्राफ है। प्लीज सेंड दीज बुक्स थ्रू कुरियर, आई विल मेक पेमेंट ऑन द रिसीप्ट ऑफ द बुक्स, ओके। सम अदर लाइन्स ऑल्सो कैन बी रिटन, कुड बी रिटन you know here like that you are supposed to send the order or the books in proper manner, any damage, okay, yeah, we would not be responsible for any damage, you must check their condition, theek hai, uski condition dekh lijiye, check kar lijiye usko, agar damaged books hongi they will be returned back, unko wapas kar diya jayega। इस तरह की भी शर्त और वो क्वेश्चन आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। देन वन लाइन गैप, थैंकिंग यू, ये आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है इसको बोलेंगे, थैंकिंग यू। नेक्स्ट योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, एनी वन आउट ऑफ देम यू कुड पुट देयर, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। देन सिग्नेचर डेजिग्नेशन इफ एप्लीकेबल, आप अपने साइन करेंगे या अपना नाम लिख देंगे, अमृता सिन्हा, ओके। इफ द नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन देन यू आर सपोज टू पुट द सेम नेम, इफ नेम ऑफ द यू नो सेंडर इज नॉट गिवेन देयर देन यू कैन पुट हियर ए बी सी एक्स वाई जेड, बट ऑफन नेम इज गिवेन इन द क्वेश्चन, यू आर नॉट सपोज टू पुट योर ओन नेम, आप अपना खुद का नाम उस पर नहीं लिखेंगे, जो नाम दिया है वो लिखेंगे, अदरवाइज जो मैंने आपको बताया है ए बी सी एक्स वाई जेड, अगर ऐसी कंडीशंस आती हैं तो आप उनको लिखेंगे, ओके। Keep this format in your mind. इस फॉर्मेट को ध्यान से आप देख लें, बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूर फॉर्मेट है। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट यू कुड राइट एनी प्लेसिंग ऑर्डर लेटर। If format is confirmed, it means you are able to write any letter on the basis of given subject in the question.
ओके। अब मैं थोड़ा सा चेंज और इसमें बताऊंगा आपको, अगर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। चेंज मीन्स सब्जेक्ट आप ऊपर लिख सकते हैं और सैल्यूटेशन आपका जो है नीचे हो सकता है। इसको आप यहाँ रख सकते हैं, ओके, और इसको आप नीचे ला सकते हैं, ओके। सर और मैडम यहाँ ला सकते हैं, उसको रख सकते हैं, सब्जेक्ट ऊपर और सैल्यूटेशन आपका नीचे, ओके। सम अदर लाइन्स ऑल्सो कैन बी रिटन हियर लाइक दिस, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द रिक्वायरमेंट या टुवर्ड्स माई रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉलोइंग बुक्स फॉर माई स्टडीज। प्लीज स्टॉप, देयर इज अ डायर नीड ऑफ दिस बुक्स, प्लीज सेंड देम विद इन द वीक। इस तरह की लाइन्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप दैट यू विल सेंड बुक्स विद इन द टाइम। और सच लाइन्स, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू और थैंकफुल टू यू इफ यू सेंड दीज बुक्स विद प्राइस लिस्ट till this date, okay? इस तरह से भी लाइन्स आप लिख सकते हैं इसमें, that will be more effective than the lines written in this letter for 11th or 12th classes. Classes 9th and 10th can follow the same pattern, but senior classes are supposed to put some extra lines in this letter, but format is same. There is no difference in format for the students of class 9th, 10th, 11th and 12th. Format aapka yahi hai, but जो थोड़ा सा जो सीनियर क्लासेज है उनके लिए इट इज़ एक्सेप्टेड, यू नो, एक वो है कि आप उसको थोड़ा सा विविध फॉर्म में उसको लिखेंगे। सीनियर स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड राइट मोर लाइंस, सम इफेक्टिव लाइंस। In the letter of placing order, okay, all lines format have been described like this. यहाँ सब आपको बताया कि ये 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 किस लिए यूज हुआ है, what is this, that, etc. I want that this format should be drawn in your notebooks by you. Now, different from this letter, you are supposed to write
another placing order letter of different books having some different lines, as I have suggested you. This is your homework, this is your home assignment. इस फॉर्म फॉर्मेट को देखते हुए किन्हीं और बुक्स के लिए नेम एड्रेस चेंज करते हुए आप लोग एक दूसरा लेटर लिखेंगे खुद. ओके, दिस इज योर होम असाइनमेंट, होमवर्क. यू आर सपोज टू कंप्लीट इट. राइट अनदर लेटर यूजिंग दिस फॉर्मेट, बट लाइंस, बुक्स, एड्रेस, नेम मस्ट बी डिफरेंट. वो अलग होना चाहिए. बढ़िया से लेटर लिख के आप, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द लेटर यू आर सपोज टू गेट अ पिक ऑफ योर डन वर्क, एंड यू आर सपोज यू मस्ट सेंड इट. आई वुड से यू मस्ट सेंड इट ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, सो दैट आई कुड चेक योर होमवर्क और असाइनमेंट. इट इज क्लियरली विजिबल, यू कुड सी इट. Just observe the pattern, the format, the contents of the letter, and make it sure that now you could write any placing order. Okay, so complete your homework, keep your study on, give your entire attention on the study so that you could get good marks in the examinations. Thank you, have a nice day, God bless you my dear students. All the students are supposed to send their homework on my personal WhatsApp number so that I could check it. I am noticing the homework of the students who are sending or not. Complete कीजिए, जो भी वर्क आपको दिया जाए होमवर्क भी भेजिए, मैं उसको चेक करता रहूँ. Okay?